हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले यहां लिखा हुआ लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अब ये है क्या, तो लिमिटेशंस क्या है भाई, जब भी कभी हम लोग नई थ्योरी पढ़ते हैं, हम लोग इस आपके सिलेबस में क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब हम लोग पढ़ेंगे, जिसे हम लोग क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं, तो वो क्यों पढ़ेंगे भाई? उससे पहले कोई थ्योरी रही होगी जो फेल हो गई होगी, जो नहीं बता पाई होगी कुछ चीजों को, तो उसे बताने के लिए इस थ्योरी को दिया गया। ठीक भाई, उसे बताने से पहले एक चीज हम और भी बता रहे हैं। देखिए, कुछ चीजें होती हैं, जैसे अगर हम लोग आवर्त सारणी को समझे तो चार चीजें होती हैं। इधर होता है एस ब्लॉक, इधर होता है पी ब्लॉक, इधर होता है डी ब्लॉक और बीच में होता है बीच में होता है डी ब्लॉक और नीचे होता है एफ ब्लॉक। इसमें अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा कलर कौन दिखाता है, तो डी ब्लॉक वाले सबसे ज्यादा कलर दिखाते हैं। सबसे ज्यादा कैटालिसिस नेचर किसका होता है, सबसे ज्यादा उत्प्रेरक कौन होता है, तो डी ब्लॉक होता है। तो जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो घूमेगी डी ब्लॉक के अड़ोस पड़ोस। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो मेन काम है वो कलर को बताना ही है मेरे भाई। दिक्कत क्या हुई, जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, ये मॉलिक्यूल्स के कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कौन सी चीज का कैसा कलर होता है, क्यों कलर होता है, डी ब्लॉक कलर क्यों दिखाते हैं, ये भी समझते हैं। डी ब्लॉक क्या होता है, जैसे इसे आराम से समझो, आप लोग पहले पढ़ चुके हो थोड़ा थोड़ा। मान लिया ये जिंक है, जिंक का नंबर 30 होता है। जब हम लोग इसका विन्यास बनाते हैं तो डी में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। डी में 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि सारे डब्बे, अब डी में कितने डब्बे बनते हैं, 5 डब्बे बनते हैं। देखो 1 2 3 4 5, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इनमें क्या होता है, पूरा भरा होता है। तो जब इनके डब्बे पूरे भरे हुए हैं तो जिंक जो है वो कलरलेस होता है, ये कोई भी कलर शो नहीं करता है। जितने भी लोगों के पास डी ऑर्बिटल होगा और वो पूरा भरा हुआ नहीं होगा, वो लोग कलर शो करेंगे, वो कोई भी हो। जैसे कॉपर है, नंबर कितना होता है, 29 होता है, तो अब 29 नंबर कॉपर है, ये कलर शो करता है, नीले रंग के होते हैं कॉपर आयन। तो इस तरीके से डी ऑर्बिटल वाले केवल वो लोग कलर शो नहीं करते हैं जिन लोगों का ऑर्बिटल पूरा भरा होता है, बाकी जितने डी ऑर्बिटल है वो सब कलर भी शो करते हैं। उसी तरीके से ये उत्प्रेरक भी नहीं होगा, जिंक उत्प्रेरक का काम नहीं करेगा, कम करेगा। क्यों करेगा, क्यों नहीं करेगा, अबे जिसके सारे डब्बे पूरे भरे हुए हैं वो क्यों चिराइन में पड़ेगा यार। जिसके कहते नहीं है कि जब आदमी मेहनत भी तभी करता है जब उसका पेट खाली हो, उसे चाहिए अब पेट भरा हुआ पड़ा हुआ खाली प्रवचन दो, फिर वो वाला मामला ना। तो ये जो लोग कंप्लीट है सर, ठीक है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन मतलब इसकी औकात क्या, तो औकात इसकी ये है कि ये कलर को नहीं बता पाए, तो नहीं बता पाए, प्लस कुछ बॉन्ड्स को नहीं एक्सप्लेन कर पाए, स्प्लिटिंग को नहीं बता पाए कि किस तरीके से डी ऑर्बिटल टूटेंगे। सर जी, स्प्लिटिंग होती क्या है? देखिए, अभी हम पीडीएफ को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, ये पीडीएफ बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, लेकिन पहले बेस बना लो प्लेटफॉर्म। स्प्लिटिंग क्या होती है, स्प्लिटिंग का मतलब सरल भाषा में कहें बिखरना होता, टूटना होता है। डी ब्लॉक आप समझ लो, डी ब्लॉक में अगर आप कतई बौरे हो कुछ नहीं मालूम है, तो डी ब्लॉक में मेरे भाई डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल 5 डब्बे बनते हैं, 1 2 3 4 5 डब्बे को हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं शुद्ध भाषा में, समझो। तो कितने ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 और 5, इनमें से होगा क्या, 3 ऑर्बिटल अलग हो जाएंगे और 2 ऑर्बिटल अलग हो जाएंगे। जो 3 ऑर्बिटल अलग हो जाएंगे उन्हें कहा जाएगा ईजी लेवल। क्या कहेंगे, ईजी लेवल। सर जी, ये ईजी क्या है, ये एक डिनोट करने का तरीका है, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जहां से हम कोई ना कोई सिंबल उठा लेते हैं। तो इन 3 ऑर्बिटल्स को हम लोग ईजी लेवल कहा करेंगे, और जो 2 अलग होंगे इन्हें कहा करेंगे टी2जी लेवल। नॉर्मली क्या होता है, 5 लाइन से लिखे हुए हैं, मतलब 5 की एनर्जी सेम है, लेकिन होगा क्या, जब स्प्लिटिंग होगी, जब ये लोग टूटेंगे, तो कुछ की एनर्जी थोड़ी सी कम रह जाएगी, कुछ की थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। जिनकी कम रह जाएगी उन्हें एक लेवल बना देंगे कि भैया जो कम कम वाले हैं वो एक लेवल में है, ज्यादा ज्यादा वाले हैं वो दूसरे लेवल में, ठीक है भाई। तो अलग अलग तरीके से हम लोग स्प्लिटिंग किया करेंगे, इसे कहते हैं टूटना या स्प्लिट हो जाना, बिखर जाना, ठीक है भाई। जैसे कोई अगर वीडियो एडिटिंग वगैरह करता होगा तो देखता होगा स्प्लिट, वीडियो वहीं से टूट जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिमिटेशंस, पेपर में लिमिटेशंस नहीं आएंगी, आएंगी तो हो सकता है 3 नंबर में आ जाए, लेकिन लिमिटेशंस नहीं आएंगी। डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, इसके आधार पर आप डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग को कैसे बताएंगे सर, ठीक। अगर आप सेमेस्टर में हैं तो 15 नंबर में मिलेगा, और अगर वैसे नॉर्मली तो लॉन्ग आता भाई, सीधी सी बात है। तो जरा देखिए यहाँ पर,
बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या करती है, विभिन्न कॉम्प्लेक्सेस की एनर्जीज की डिफरेंस जो था उन्हें नहीं एक्सप्लेन कर पाई। वही हमने बताया कि एनर्जी का डिफरेंस कैसे होगा, स्प्लिटिंग होगी, कम वाले एनर्जी नीचे आ जाएगी, ज्यादा वाली ऊपर चली जाएगी, लेकिन ये कौन नहीं बता पाया, बीबीटी ये नहीं बता पाई। वही हमने लिखा है कि जो कॉम्प्लेक्सेस की एनर्जीज का डिफरेंस है वो ये लोग बता नहीं पाए थे, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्सेस के कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि जब डी ऑर्बिटल को ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे उनकी एनर्जी, तो कलर को भी नहीं बता पाई है। तो अब ये बेसिक है, पढ़ लेंगे। इसकी पीडीएफ कहां पे मिलेगी आपको, टेलीग्राम पे जाएंगे, बीडीकेडिन बीएससी आप सर्च कर लोगे। ये कॉम्प्लेक्सेस के स्पेक्ट्रम के बारे में, अब सर जी स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा में क्या फर्क है, दोनों एक ही शब्द है मेरे भाई। स्पेक्ट्रम एक वचन है, सिंगुलर शब्द है, स्पेक्ट्रा बहुवचन प्लूरल शब्द है। मतलब क्या होता है स्पेक्ट्रम का, सरल भाषा में स्पेक्ट्रम का मतलब होता है समूह। वो रंगों का समूह हो सकता है, ऊर्जा का समूह हो सकता है, किसी का भी सतरंगों का समूह हो सकता है। यहाँ पे हम लोग कलर की बात करेंगे कि कितने कलर हैं, कौन सी चीजें हैं, तो स्पेक्ट्रा कर रहा है, ठीक है, के बारे में नहीं बता पाई। बीबीटी ये बताने में सक्षम नहीं है कि क्यों एफ निगेटिव और एच टू ओ लिगेंड्स यूजुअली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जबकि सी एन निगेटिव और एन एच थ्री लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सर जी हमें तो यही नहीं मालूम हाई स्पिन और लो स्पिन क्या होता है, तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अभी एक्सप्लेन करेगी कि कौन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, कौन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। यही तुम लोग, यही इसकी कमियां हैं, वो सब उसमें सही हो जाएंगी, ठीक है। बीबीटी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तथा इनर ऑर्बिटल के निर्माण का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती, यानी बीबीटी ये नहीं बताती है कि जो बाहर वाले ऑर्बिटल हैं उनका निर्माण कैसे हो। सरल भाषा में वही चीजें घूम घूम के हो रही हैं कि कौन से ऑर्बिटल बाहर हैं, कौन से अंदर हैं, कुछ नहीं बता पाई है सर, ठीक है। और बीबीटी डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग को भी नहीं बताती, यानी किस तरीके से डी ऑर्बिटल टूटेंगे ये भी नहीं बताती, ठीक। यहां पे टोटल 6 पॉइंट है, 2 नंबर में ये आएगा, अगर आता है बाई चांस तो, पहले नहीं आएगा तो अगर आप इसमें 4 पॉइंट भी लिख दोगे काम चल जाएगा भाई, ठीक। चलो बेकार की बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वांटेड है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसे बहुत आराम से समझिएगा, लॉन्ग में एक मेरे भाई आएगी। किसने दी है, एच बेथे ने दी है, और वॉन ब्लैंक बोल लो उसे, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहां पे वी है, ये वॉन ब्लैंक बोलेंगे सर, ठीक है। तो एच बेथे ने दी है, क्या पर्पस है, टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी जितने मेटल मतलब धातु, धातु के जितने भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं, यौगिक बनते हैं, उनमें किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। समझना भाई, बहुत आराम से समझेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। मेन पॉस्टुलेट्स मतलब क्या क्या अवधारणा है इसकी, किसी कॉम्प्लेक्स में एक मेटल एटम लिगेंड के द्वारा घिरा होता है। मेरे भाई जो लोग फाइनल ईयर में है वो लोग थोड़ा उन्हें हमें पुराने दिन याद दिलाने पड़ेंगे। आ जाओ, हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसे सब बिल्कुल सरल वाला लिखेंगे, K4FeCN का होल ऑफ 6। आराम से देखना, थोड़ा सा कठिन है ये, हमें मालूम है यूनिट, लेकिन आराम से समझाएंगे। मेरे भाई जो बाहर लिखा होता है इसे कहते हैं सिंपल आयन, साथ में बोला करिए भाई, क्या कहते हैं, सिंपल आयन। जो यहां लिखा होता इसे कहते हैं CMA, क्या कहते हैं, CMA। CMA का मतलब सेंट्रल मेटल एटम, CMA का मतलब सेंट्रल मेटल एटम, हिंदी में कहेंगे मुख्य धातु परमाणु। और इसके अलावा बड़े ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा हुआ, यहां तो खाली CN ही लिखा हुआ, तो ये जो CN है ये लिगाइंड है, क्या है मेरे भाई, लिगाइंड है, क्या है ये, लिगाइंड है। तो अब क्या है, आराम से समझो इसे, इसे CMA क्यों कह रहा है, CMA का मतलब सेंट्रल, हमेशा बीच में कौन होगा इसका, अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो बीच में कौन होगा, Fe होगा, सेंटर में होगा, इसके चारों तरफ कौन होंगे, CN, यानी लिगाइंड इसे ऐसे करके घेरे होंगे, अभी नीचे हम आपको दिखाएंगे, और यहीं कहीं कोने में जो के हैं वो भी इनसे जुड़े होंगे, क्योंकि CN के ऊपर माइनस होता है, के ऊपर प्लस होता है, जो लोग भी यहीं कहीं कोने में इनसे जुड़े हुए होंगे, लेकिन सेंटर में कौन होगा, सेंटर में Fe होगा, इसलिए इसे कहते हैं CMA, मतलब सेंट्रल मेटल एटम, ठीक भाई, बात क्लियर हो गई। अब आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है, लिगेंड्स के द्वारा घिरा होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मेटल एटम और लिगेंड्स पॉइंट चार्जेस के रूप में बिहेव करते हैं, मेटल एटम पॉजिटिव चार्ज पॉइंट के समान, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले लिगेंड्स नेगेटिव पॉइंट चार्ज के रूप में बिहेव करते हैं। अभी हमने आपको दिखाया मेटल का मतलब क्या होती है, धातु होती है, तो बीच में जो मेटल होगा तो वो कैसा होगा भाई, वो प्लस की तरह बिहेव करेगा, और जो चारों तरफ CN है वो कैसे थे बताओ, माइनस की तरह बिहेव करेंगे। कुछ लोग कहेंगे अच्छा एक बात और, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, अभी हम दिखाएंगे आपको ऐसे करके, ये अभी नीचे स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि सारे लिगेंड, पहले तो समझना पड़ेगा, कभी कभी हमें खुद लगता है कि यार जो बच्चा सामने बैठा हुआ है पता नहीं वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, जो इस तरीके का एरो बनता है इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी सरल भाषा में कहें उपसह संयोजक बंध। इसका मतलब होता है कि किसी, जो इधर लिखा हुआ है इसने 2 इलेक्ट्रॉन इधर वाले को दिए हैं, इस एरो का मतलब होता है मेरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन,
ठीक है भाई। तो इसका मतलब कि हमने यही लिखा हुआ कि जो बीच में है वो प्लस है क्योंकि मेटल है। अरे धा धा से याद कर लो यार, धा से धातु और धा से धनायन, प्लस वाला धातु यानी मेटल होता है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये चीजें चलती हैं और जो लिगैंड होगा वो दो इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है भाई। कठिन नहीं है, आराम से समझो, एक बार पढ़ लेना आ जाएगा। मेटल और लिगेंड्स के बीच अट्रैक्शन प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या यार, विद्युत, जाहिर सी बात है। अरे यार घर में बत्ती होती है, एक काला तार होता है, एक लाल तार होता है, एक प्लस एक माइनस, तो जहां प्लस माइनस होगा उसे क्या बोलोगे, विद्युत बल कह लो या इलेक्ट्रोस्टैटिक कह लो। मेटल और लिगेंड के बीच की बॉन्डिंग 100% आयनिक होती है। आयनिक का मतलब एक प्लस एक माइनस, आयनों में टूट जाएगा बॉन्ड आराम से। यदि लिगेंड एक एनायन है तो मेटल तथा लिगेंड के बीच अट्रैक्शन एक कैटायन और एनायन के बीच अट्रैक्शन के समान ही होता है। यानी जैसे एक प्लस और माइनस के बीच, एक धनायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन होता है, वैसे धातु और क्या है दूसरा लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक। ये देखिए यहां पर हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। क्या है भाई, देखो बीच में कौन है बताओ, बीच में है CMA। मजा बहुत आ रहा होगा, कते खो जाओगे मेरे भाई, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। और ये ऐसे टॉपिक है, लोग घबराते हैं इसे पढ़ाने से, लेकिन बहुत बेहतरीन टॉपिक है, समझिए। ये क्या है, CMA है, बीच में है, सेंटर में, और इसके चारों तरफ कौन है बताओ, लिगाइंड है। चारों तरफ कौन है, लिगाइंड है। अब अभी आपने सर जी बताया ऐसे वाला बॉन्ड बनता, ऐसे वाला सर जी, ऐसे वाला बॉन्ड, वो क्या जुगाड़ है, वो ठीक है। बॉन्ड जब इसका स्ट्रक्चर बना, यहाँ कहीं के दिख रहा है नहीं, जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन अभी हमने क्या कहा, इसके ऊपर जो पॉइंट है उसे दिखा रहा है। पॉइंट ये कह रहा है कि जब इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है, तो इनके बीच जो अट्रैक्शन होता है वो आयनिक होता है, यानी एक धनायन और एक ऋणायन के समान होता है। तो ये हम दिखा रहे हैं कि भैया जो प्लस है ये माइनस, और इनके बीच जो अट्रैक्शन है ये कैसा है, आयनिक बॉन्ड है, ये दिखाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, ठीक है भाई। लेकिन एक और भी कंडीशन है, परंतु यदि लिगैंड न्यूट्रल हो, लिगैंड बाबा उदासीन है, जैसे H2O, H2O के ऊपर ना तो प्लस है ना माइनस है, तब क्या होगा, तो लिगैंड के डाइपोल का निगेटिव और मेटल की ओर ओरिएंटेड होता है। इसे अब आपको समझना पड़ेगा थोड़ा आराम से। यहां देखो भाई, मान लिया ये है, ये तो प्लस है, लेकिन जो H2O है ये उदासीन है। उदासीन का मतलब ये प्लस, इसके ऊपर प्लस माइनस कुछ नहीं है। तो हमने आपको एक डायलॉग बताया था कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। जो ऑक्सीजन होता है इसका नंबर 8 होता है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे 2 इलेक्ट्रॉन मेरे भाई चाहिए होते हैं, ठीक। तो इसके ऊपर क्या होते हैं, 2 माइनस होते हैं, लेकिन जब ये इनसे जुड़ता है तो साझेदारी करता है। लेकिन भले ही इसने साझेदारी कर रखी है, लेकिन जब अपनी औकात तो दिखाएगा, अपना माइनस पना दिखाएगा, सरल भाषा में कहें तो इसके ऊपर आंशिक रूप से, पूरी तरीके से जो माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि भैया जुड़ा हुआ, जो इन लोगों से जुड़ा हुआ, इनकी बीवी कहेंगी मारेंगे बहुत तुम्हें, तो जो इनसे जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, आंशिक रूप से दिखाएगा। कई लोग होते हैं उनकी बीवी, जैसे हमारे एक लोग जान पहचान वाले हैं, आपको बताएं, नाम नहीं बताएंगे, वीडियो में लोग देखते हैं, लेकिन वो पता क्या करते हैं, जब कभी अपनी बीबी से बात कर रहा होता है मेरे सामने बहुत लंबी लंबी लपेटेंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और रियलिटी में पता क्या, घिनवाते रहते हैं, 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, तो वैसा ही है। तो ये आंशिक रूप से माइनस होगा और ये प्लस है, तो इनके बीच में आंशिक रूप से, अब इस बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद करो यार, थोड़ा पिछले याद करो, फाइनल ईयर में हो या थर्ड सेमेस्टर में, जहां भी हो यार, तो इस बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब आंशिक रूप से चीजें होती हैं और ऐसे करके चीजें बना करती थी। याद आ रहा है सर, ठीक, उसी तरीके की कुछ ये बॉन्डिंग है। सरल भाषा में हम इसे यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और अच्छी भाषा में कह दो तो ये वीक इंटरैक्टिव फोर्सेस हैं, यानी कोई कमजोर सा बल है जो इन दोनों के बीच में लग रहा है, बस इतना आपको समझना है सर, ठीक है। अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो कॉम्प्लेक्स की एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के आधार पर निर्धारित होती। कूलाम का नियम आपने 12वीं क्लास में पढ़ा, क्या होता बताओ, एफ समानुपाती Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। सर जी ये प्लस माइनस क्या, मेरे भाई क्यू प्लस यानी एक प्लस वाला आवेश है, एक माइनस वाला आवेश, तुम्हारा मन करे तो Q1 Q2 लिख लेना, मन करे क्यू प्लस क्यू माइनस, पता चलना चाहिए दो आवेश है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ लिख भी दिया, क्यू प्लस क्या है, चार्ज ऑफ मेटल यानी प्लस वाले पे चार्ज है धातु पे, माइनस क्या, चार्ज ऑन लिगैंड है। आप Q1 Q2 लिख दो तो यहाँ वो लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर क्या है, बीच की दूरी होगी भाई, ठीक। अगला पॉइंट, अब यहां से आपको समझ में आएगा कि क्या होता है हाई स्पिन और क्या होता है लो स्पिन, आराम से समझना है, पढ़ते हैं पहले। जब मेटल को लिगैंड अप्रोच करता है, यानी मेटल के पास लिगैंड जुड़ने के लिए आया, तो लिगैंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये देखो भाई अभी जो हम बता रहे थे, अब आपको समझना पड़ेगा, बीच में कौन है बताओ, CMA है, बीच में कौन है, CMA, और यहां कौन है बताओ, लिगैंड है। लिगैंड क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन इन्हें देगा, दो इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर देगा। तो जब ये इन्हें अप्रोच करेगा, ये इन्हें क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन प्रोड्यूस होगा। क्यों प्रोड्यूस होगा, क्योंकि मेरे भाई कुछ मेटल के पास कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे,
कुछ इलेक्ट्रॉन क्या ये लिगेंड देने की कोशिश करते, साफ साफ लिखा हुआ तथा मेटल के डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के बीच इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्योंकि उसके पास जो डी ऑर्बिटल है कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे, कुछ लिगेंड देने की कोशिश करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होगा, दो प्लस दो माइनस वाले दो प्लस वाले कभी पड़ोस नहीं आते, तो उनमें खिंचू मचेगा यानी रिपल्शन होगा, जिससे मेटल एटम के डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। अब जब एनर्जी बढ़ेगी तो बी पॉइंट समझिए यहीं पर खेल हो जाएगा। देखिए डी ऑर्बिटल की ज्योमेट्री तथा स्पेस में इसके ओरिएंटेशन के कारण सभी डी ऑर्बिटल लिगेंड से समान दूरी पर नहीं होते हैं। बे डी ऑर्बिटल जो लिगेंड से अधिक दूरी पर होंगे उन पे रिपल्शन ज्यादा लगेगा, जो कम दूरी पे होंगे उन पे रिपल्शन कम लगेगा सर, ठीक है। उसके साथ साथ एक चीज और देखिए, अधिक रिपल्शन का अनुभव करेंगे और इनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है। जिस पे जिनका खिच्चू ज्यादा मचेगा उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिन पे कोई रिपल्शन नहीं लग रहा वो पड़े रहेंगे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है सीधी सी बात, तो उनकी एनर्जी भी कम बढ़ेगी। इस फैक्ट के कारण लिगेंड्स के द्वारा घिरे मेटल के डी ऑर्बिटल्स में डी जनरेसी समाप्त हो जाती है। डी जनरेसी मतलब जो पांचों लाइन से रखे हुए थे अब वो खत्म हो जाएगा, और क्या होगा, इस घटना को स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब समझो मेरे भाई, अगर कुछ नहीं आता है तो इस तरीके के पांच ऑर्बिटल होते हैं, तीन हमने अलग कर दिए हैं और दो अलग कर दिए हैं, कठिन बिल्कुल नहीं मेरे भाई। देखो ये क्या पहला dxy, इस तरीके से पांच हम बनाए थे, देखो एक दो तीन चार पांच, ठीक। तो एक दो तीन, ये एक दो तीन ये अलग हो जाएंगे, और ये आखिरी वाले एक दो ये दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है भाई। इस तरीके के पांच ऑर्बिटल बनते हैं, डरना नहीं है। पहला कौन सा, एक्स वाई, तो एक्स और वाई के बीच में उपस्थित है, ठीक है। अब जो सर जी ये फूल पत्ती क्या बनी हुई है, जो डी ऑर्बिटल होता है वो दुई डंबल आकार होता है, डबल डंबल, ये जो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं इसे हम लोग कहते हैं डी ऑर्बिटल सर, ठीक है। तो ये डी ऑर्बिटल बने हुए हैं जो एक्सिस के बीच में है, और ये वाले एक्सिस के ऊपर है, तो ये फर्क है दोनों में। देखिए ये तीनों एक्सिस के बीच में है, ये एक्स वाई के बीच, वाई जेड के बीच, जेड एक्स के बीच, और ये क्या है, ये एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो ये फर्क है इनमें, तो जो ऊपर है वो अलग होगा और जो बीच में है वो अलग होगा। यहां पे लिख दिया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की सहायता से निम्न फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर एक, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे एक्सप्लेन होंगे कि कौन सा, यही तो दिक्कत थी यार, अब यहां एक्सप्लेन होगा। लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बताएंगे हम इसकी सहायता से, डिफरेंट एनर्जीज बताएंगे हम, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी चर्चा करेंगे इन सब की सहायता। तो सबसे पहले हमने लिखा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम इसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हालांकि टेट्राहेड्रल भी होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग एक एग्जांपल लेके चलेंगे जो बार बार पेपर में आता है, और आप अनसॉल्व उठा के देखना यही वाला आया होगा, ऑक्टाहेड्रल वाला बार बार, ठीक है भाई। चलिए तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है, आप बिल्कुल आराम भाषा में लिख दिया कि मेटल एटम छह लिगेंड से घिरा होता है, देखना है तो यहां देखो बीच में मेटल एटम है और चारों तरफ गिल्लो, एक दो तीन चार पांच छह लिगेंड मेरे भाई घिरे हुए हैं, ठीक। जब लिगेंड मेटल आयन को अप्रोच करते हैं तो मेटल आयन के बी डी, फिर वही वाली बात है, जो पड़ोस में होंगे वो ज्यादा रिपेल होंगे, बे डी ऑर्बिटल अधिक रिपेल करते हैं जो एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं, और एक्सिस पे दो ही प्रेजेंट थे मेरे भाई, ये देखो कहां गया, एक्सिस पर दो ही प्रेजेंट है, कौन सा, एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर, तो वो लोग ज्यादा रिपेल होंगे जो एक्सिस पर प्रेजेंट होंगे, यही हमने लिखा हुआ, ठीक है, कहां गया ये है। और बे डी ऑर्बिटल कम रिपल्शन करते हैं जो दो एक्सिस के बीच में होते हैं, तो बीच में कौन थे, तीन थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। यहां पर आपको एक चीज याद रखनी, हमने वीडियो की शुरुआत यहीं से की थी, बताओ इन वालों को हमने मान लिया ईजी लेवल, क्या माना, ईजी लेवल, और तीन वालों को हमने क्या मान लिया, टी टू जी लेवल। सर जी जी है क्या जी जी, पता नहीं क्या, ये केवल एक सिंबल है, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, कोई ग्रीक से उठा लिया जाता है, कोई कहीं से, तो अभी देखिए इतना थोड़ी ढोएंगे हम लोग, तो दिखाने का तरीका होता है, क्योंकि अभी हम इनकी फॉर्म में विन्यास बनाएंगे, तो जब हम इनकी फॉर्म में अगर हम इतना तीन तीन ढोएंगे तो बड़ा दिक्कत करेगा, तो हम क्या करेंगे, इस इन दोनों को ईजी लेके चलेंगे और इन दोनों को टी टू जी लेके चलेंगे, ठीक भाई। अब समझो EG ऑर्बिटल्स की एनर्जी में इंक्रीज T2G की एनर्जी से होने वाले इंक्रीज से ज्यादा हो जाता, अतः D ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग निम्न प्रकार होती है, समझो भाई। सबसे पहले यह है डी जनरेट, यानी कोई डी जनरेसी नहीं, सब लोग बराबर में है, पांच ऑर्बिटल मेरे भाई हैं, इसे समझना चित्र को बहुत आराम से, यह है टोटल पांच ऑर्बिटल, ठीक। अब क्या हुआ, जब रिपल्शन होना शुरू हुआ तो ये जो बीच की स्टेट है ये स्टेट एक्चुअल में नहीं दिखाई देगी हम लोगों को, हम लोगों को एक ये वाली दिखाई देगी और एक ये वाली दिखाई देगी, ठीक। लेकिन डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता, मान लिया किसी जमाने में हम कतई फटी चढ़ते, ऐसा कोई जादू नहीं होता, पिक्चरों में होता लगातार एकदम से लॉटरी लग गई हीरो बन गए, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे करके आप मेहनत करोगे प्रोसेस होगा, ऐसे करके चलेगा। तो उसी तरीके से यहां पहले एनर्जी कम थी,
एनर्जी बढ़नी शुरू हुई। तो बढ़ते बढ़ते ये एक हाइपोथेटिकल स्टेट, हम सोच रहे हैं कि एक ऐसी कंडीशन आई होगी जब इनकी एनर्जी बढ़ते बढ़ते शायद इतनी हो गई होगी, और फिर वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई, समझ रहे हो। एक परिवार में 5 लोग थे, अब पैसा अंधाधुंध है तो क्या खिच्चू मचेगा यार। जो एक्सिस के ऊपर थे वो अलग हो गए, और जो बीच वाले थे वो अलग, उनने तुम्हारी अपनी पार्टी मेरी अपनी पार्टी। अब इनके बीचों बीच से जो लाइन गई है ये एक सेंटर का काम कर रही है, वहां पे छुप गया है, इसे हम लोग कहेंगे बेरी सेंटर। क्या कहेंगे? बेरी सेंटर। इसलिए कह रहे हैं वीडियो पूरी देखा करो, बाकी तो पीडीएफ आपको मिली जाएगी टेलीग्राम। इसे कहते हैं बेरी सेंटर। ऊपर वाला लेवल ईजी है, नीचे वाला T2G। सर जी एक दिक्कत लग रही है, क्या? ये जो बीच में आपने DQ लिख दिया, 10DQ, ये आइटम क्या है? ये DQ भी मात्रक है, यूनिट है नापने की एनर्जी को। बीच में जो एनर्जी है उसे कैसे नापेंगे, देखो यहां पे हमने आपको दिखा रखा है, एक मिनट रुकिए, ये देखो यहां लिख दिया हमने डेल जीरो बराबर होता है 10DQ के। डेल जीरो क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यानी जो स्प्लिटिंग होती है उसे हम लोग नापते हैं डेल जीरो से। पढ़ेंगे भी ऐसे, इसका कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है कि सर जी इसे कैसे पढ़ते हैं क्या है, लगता है सर जी को मालूम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसे ही लिखा जाता है, इन्होंने नोट किया था, ठीक है। और डेल जीरो और DQ क्या है? यूनिट्स ऑफ CFS है। CFS का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को नापने के ये मात्रक है कि हम इसमें नापा करेंगे कितने दूर हैं, 4 हैं 5 हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से एनर्जी निकाली जाती है, ये स्प्लिटिंग हो गई। अब आराम से समझो, अगर आपसे कहे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताओ तो सिर्फ थ्योरी लिख देना, आपसे कहे स्प्लिटिंग भी बताओ तो स्प्लिटिंग, अगर आपसे कहे एनर्जी भी निकाल के दिखाओ तब देखो। अब एनर्जी पूरे की नहीं निकालने को आएगी, एनर्जी कहेगा D1 की निकालो या फिर D4 की निकालो। अभी हम आपको देखो सिखाएंगे, यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है, ऐसे कहेगा, कहेगा एनर्जी जो निकालनी है खाली D6 की निकालो। अब आप ढूंढ रहे हो, सबकी थोड़ी लिखोगे, देखो कैसे। तो अब क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, शॉर्ट में ही पेपर में लिख के आएगा CFSE, तो आपको ऐसे ही पता करना, ठीक है। हम लोग ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल लेके चल रहे हैं क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई कैसे निकलती है, आराम से समझना, जिसका 12वां क्लियर है बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के कारण कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी बढ़ती है, किसी कॉम्प्लेक्स की CFSE को निम्न प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो भाई होता क्या है, बीच में अब उसे तो हम भूल जाए जो टूट गया उसका मतलब नहीं, ये रियलिटी है अपने सामने। नीचे वाले लेवल को हम लोग क्या कहेंगे, T2G लेवल कहेंगे, ऊपर वाले को हम लोग क्या कहेंगे, EG लेवल कहेंगे। टोटल गैप कितना होता है, 10DQ होता है, लेकिन जो ऊपर वाला है उसे हम लोग प्लस का 6DQ, दो में तोड़ दिया हमने, ऊपर वाले को हम लोग प्लस 6DQ माना करेंगे, नीचे वाले को माइनस का 4DQ लिया करेंगे। चित्र थोड़ा सा गड़बड़ है, आप नीचे वाली चीज कम दिखाएं, ऊपर वाली थोड़ी ज्यादा दिखाएं तो लगे कि वो 6DQ के बराबर है, ठीक है। ये बेरी सेंटर, अब देखो कैसे निकलेगा, बहुत आराम से समझना। एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2 लेवल इक्वल टू माइनस का 4DQ। इसका मतलब क्या है, देखो भाई अब यहाँ पे लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है लेकिन आप इतने बड़े क्लास में इतना समझ लोगे। डी ऑर्बिटल है, ठीक, डी में कितने थे बताओ, 5 यहाँ बना हुआ। मान लिया डी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरोगे बताओ, 1, 2, 3, ठीक, चौथा हो सकता है यहाँ चला जाए या हो सकता है यहाँ आ जाए, दोनों कंडीशन अभी दिखाएंगे आपको। तो हो क्या रहा है कि जो जो इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन यहां होंगे उनकी एनर्जी लेंगे माइनस का 4DQ, ठीक। लेकिन ये DQ की फॉर्म में लिखा हुआ है और ये किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है, डेल जीरो की फॉर्म में, देखो। तो चाहो तो इसे माइनस का 4DQ लिख लो, और डेल जीरो की फॉर्म में लिखो तो 1/10 होता है, तो माइनस का 0.4 डेल जीरो। दोनों हम आपको बता रहे हैं, DQ की फॉर्म में ये, डेल जीरो के फॉर्म में ये, ठीक। और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचता है EG लेवल में तब क्या करोगे, तो EG लेवल में लेंगे प्लस का 6DQ, देखते चलना इसे, या फिर ले सकते हैं 0.6 डेल जीरो, ठीक, कोई दिक्कत, प्लेटफॉर्म बन गया। अब देखो पेपर में आ गया CFSE निकालो, अब तीनों नहीं आएंगे, ऐसे आएगा D1 के लिए, D2 के लिए, D3 के लिए, कोई एक आ गया पेपर में, देखो क्या होगा। ये तीनों की कंडीशन सेम ही चलेंगी, बताओ यहां देखो, बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं लेनी मेरे भाई, जरा देखो है। क्या है बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन, D1 है मान लिया तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, D2 है तो दूसरा यहां आ गया, अगर D में 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीसरा यहां, यानी 3 इलेक्ट्रॉन तक तो यहीं आएंगे, ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है। तो अगर कोई कहे D1 बताओ, एक ही इलेक्ट्रॉन है, किससे गुणा करोगे, माइनस का 4DQ या माइनस का 0.4DQ से, 2 बताओ तो इसकी गुणा किससे कर दोगे, 2 से, 3 बताओ तो 3 से कर दोगे, देखो ऐसे, ये देखो कि T2G में 1, EG में कोई नहीं गया, 1 से गुणा कर दी, T2G में 2, EG में कोई नहीं गया, 2 से गुणा कर दी, 4×2=8 हो गया, T2G में 3, 3 से गुणा कर दी, 4×3=12 हो गया, EG में कुछ नहीं। लेकिन 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 जैसे ही D में 4 इलेक्ट्रॉन हुए, अब क्या होएगा, देखो भाई यहां पे
एक दो तीन, अब चौथा यहां भी आ सकता है और वहां भी जा सकता है। तो हमने यहां लिखा, क्या लिखा भाई, कहां गया, डी फोर सिस्टम में दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या है कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन में जंप इन ईजी लेवल, यानी जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके जा सकता है ईजी लेवल में, या इट में पेयर अप इन T2G लेवल, या फिर उसकी पेयरिंग हो सकती है चौथे वाले लेवल में। देखो भाई थोड़ा सा कठिन हो रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं पूरा समझाने की, क्या है थोड़ा वापस चलते हैं, बहुत आराम से समझिए, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और क्योंकि पेपर भी आपके पड़ोस में ही है, जो लोग थर्ड सेमेस्टर वाले उनके तो पेपर चल रहा है। देखो भाई एक दो तीन, अब चौथा या तो यहां जाएगा ये चार, या अगर यहीं आएगा तो फिर एंटी क्लॉक, क्योंकि भैया एक डब्बे में कितने ऑर्बिट, एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो एक दो, तो या तो यहीं पे आ जाएगा यानी पेयरिंग हो जाएगी, या फिर जंप करके ऊपर चला जाएगा। अब सुनो, अगर यहीं पे पेयरिंग हो गई तो यार नीचे वाले में तो माइनस का 4DQ ले रहा है, लेकिन अगर ऊपर चला गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 6DQ लेंगे। देखो कैसे, देखो भैया देखो कहां गया, ये आ गया सर, देखिए। तो हमने लिखा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी लेवल के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी सर, ठीक है। जो एनर्जी जंप करने के लिए चाहिए होगी उसे डेल जीरो कहते हैं, और अगर पेयरिंग हो रही है तो एनर्जी चाहिए होगी उसे हम लोग पी से लिख लेंगे, पी फॉर पेयरिंग एनर्जी है सर, ठीक है। अगर डेल जीरो का मान पी से कम है तो जंपिंग हो जाएगी, अगर डेल जीरो का मान ज्यादा है तो पेयरिंग हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है यार, जो एनर्जी ज्यादा होगी वही होगा, तो ये प्रॉपर लिखा हुआ, ये आप नहीं भी पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां समझो पेपर में ये आएगा। डी फोर सिस्टम क्या है भाई, अगर बाई चांस जंपिंग होती है तो टी टू जी यानी नीचे वाले में कितने आ गए, तीन। देखो भाई नीचे वाले में कितने आ गए, तीन, और ऊपर जंपिंग हो गई यानी ईजी में कितना आ गया, एक। या फिर नीचे वाले में पेयरिंग हो गई T2G4 हो गया, और ऊपर वाला हो गया मेरे भाई जीरो, कोई दिक्कत, इतना समझ में आ रहा है। अगर T2G में तीन है तो यहां कितना लिखोगे, तीन गुणे माइनस का 4DQ प्लस, एक ऊपर वाले में भी है तो प्लस का कितना आ जाएगा, 6DQ, DQ लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो चार तिया 12 माइनस के, 12 में गए 6 कितने बचे, माइनस का 6DQ। लेकिन अगर सारे नीचे ही हैं तो नीचे वालों के लिए कितना ले रहे हैं, 4, तो माइनस का 4 चौक कितना हो गया, माइनस का 16DQ। समझ में आ रहा है मेरे भाई, फिर से समझ लो बाई चांस, तो यानी नेट CFAC कितना होगा, निकालने का तरीका होता है यहां पे हमने नीचे लिख के दिखाया, यहां देखो सर ये टेबल बनी हुई, इसे देखिए ये, ठीक है ये वही है, 1 2 3 सेम है, ठीक है। 4 5 6 में देखो क्या हो रहा है, ये देखो सर, अगर D5 होगा तो क्या होगा बताओ, D5 में दो कंडीशन है, या तो T2G में तीन, EG में दोनों ऊपर चलेगा, समझ में आ रहा है, और या फिर सामने T2G में पांचों नीचे ही हैं, ऊपर कोई भी नहीं गया। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी ये जीरो कैसे आ गया, लो समझो मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, यहां देखो T2G में तीन है तो नीचे वाले के लिए माइनस का 4 लेते हो तो 4 तिया कितना हो गया, माइनस का 12 हो गया, और ऊपर वाले में कितने हैं, दो हैं, तो जब ऊपर वाले में दो हैं तो ऊपर के लिए कितना लेते हैं, प्लस का 6 लेते हैं, तो 6 × 2 प्लस का 12 हो गया, 12 से 12 क्या हो गया, कैंसिल, यहां कितना आ गया, 0 आ गया। लेकिन अगर यहां सिर्फ इसी तरीके से नीचे ही पांचों है तब क्या होगा, तो नीचे वाले के लिए 4 लेते हैं तो 5 × 4 कितना हो गया, 20, तो माइनस का 20DQ आ गया, समझ गए सर आप। इसी तरीके से D6 चलेगा, D7 चलेगा, सारे चलेंगे, और ज्यादातर जो पूछे जाते हैं वो यही वाले D4 से लेकर D7 तक मोस्ट वांटेड है।